रेडियो प्लेबैक इंडिया पर शास्त्रीय रागों के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कबूल कीजिए संज्ञा का नमस्कार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने राग तिलक कामोद पर आधारित गीत आपको सुनवाए थे और आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है राग कामोद पर आधारित। चले पग पग लहराती झूम रहा जिया बार बार जो झूम रहा जिया बार बार जो छेड़ दिए मेरे दिल के तार जो छेड़ दिए मेरे दिल के तार जो पहला गीत जो हमने अभी आपको सुनवाया ये था 1958 की फिल्म रागिनी का। अशोक कुमार, किशोर कुमार, पद्मिनी, जबीन, बालम सुंदर, नजीर हुसैन, अचला सचदेव ने इस फिल्म में अभिनय किया था और इस फिल्म के गीतों को कमर जलालाबादी और जानिसार अख्तर ने रचा था और राग कामोद को आधार बनाकर ओपी नैयर साहब ने ये गीत गवाया था अमानत अली और फतेह अली से। राग तिलक कामोद और कामोद सिर्फ नाम से एक जैसे राग हैं, लेकिन राग कामोद कल्याण थाट के अंतर्गत माना जाता है जबकि तिलक कामोद खमाज थाट के अंतर्गत। दोनों रागों की जाति शार्दव संपूर्ण है लेकिन दोनों के आरोह स्वर में अंतर होता है। कामोद के आरोह में गांधार और निषाद स्वर वर्जित होते हैं जबकि तिलक कामोद में गांधार और धैवत स्वर वर्जित होते हैं। दोनों रागों के वादी संवादी स्वर भी भिन्न होते हैं। कामोद का वादी संवादी स्वर क्रमशः ऋषभ और पंचम होता है जबकि तिलक कामोद का पंचम और षडज होता है। राग कामोद में ख्याल रचनाएं खूब गाई जाती हैं जबकि तिलक कामोद में अधिकतर ठुमरी दादरा का गायन होता है। ये तो हुई राग तिलक कामोद और राग कामोद में अंतर की बात। हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये गीत राग कामोद की एक अत्यंत प्रचलित बंदिश की अनुकृति है। मैं तो अपने
आशिक को रख लूंगी पलकी जाने ना दूंगी जाने ना दूंगी। जो देखे मोहित हो जाए ऐसा रूप सजाओ आज सखी धप मरता मपरनी धप धप पसारी सदा करे आज सखी पीड़ा दूंगी मैं दर्शन करती बूंद बूंद रे जाने ना दूंगी जाने ना दूंगी। मधुर मिलन की दुर्लभ बेला यूं ही बीतन जाए ऐसी बहन जो व्यर्थ गवाए जीवन भर पछताए तेज सजा जब मरता न बदनी न पद पसारे सदा करे तेज सजा मेरे साजन की ले आओ कलिया बूंद बूंद रे जाने न दूंगी रे जाने न दूंगी। मैं तो अपने रसिक को रख लूंगी पलकी बूंद बूंद रे जाने न दूंगी जाने ना दूंगी। फिल्म संगीत में राग कामोद का बहुत ही कम उपयोग हुआ है। राग कामोद को गाने का समय रात के 9 से 12 बजे का समय माना जाता है, यानी कि रात का दूसरा प्रहर। ये राग राग केदार, हमीर और छायानट से बहुत समानता रखता है, इसलिए इसको पहचानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ১৯৬৭ की एक फिल्म नूरजहां में सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, शकील बदायूनी साहब का लिखा हुआ और रोशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत है, जिसमें राग कामोद के साथ साथ राग गौड़ मल्हार की उपस्थिति भी है। ये कहना कठिन है कि दोनों रागों में से कौन सा राग प्रबल है। संगीतकार रोशन साहब ने बड़ी कुशलता के साथ दोनों रागों का मिश्रण किया है। आइए सुनते हैं।
अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म आम्रपाली का। लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन ने इस गीत को राग कामोद और तीन ताल में निबद्ध किया था। इस गीत में भी राग कामोद स्पष्ट रूप से मौजूद है। फिल्म साथ साथ में जगजीत सिंह की गाई हुई एक रचना है जिसे संगीतकार कुलदीप सिंह ने कहरवा ताल और कामोद राग को आधार बनाकर निबद्ध की थी। लेकिन इस गीत में कामोद की उपस्थिति तो है किंतु एकाद स्थान पर यह गीत राग शुद्ध सारंग का आभास भी कराता है। जिंदगी तू तुम भला साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी तुम घना साया तुमको देखा तो
चले जाओगे तुम सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी दूर तुम भरा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। बस जैसा हमने कहा था कि राग कामोद पर आधारित फिल्मी नगमों की संख्या बहुत ही कम है, तो आज के इस कार्यक्रम से अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।